नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण देवभूमि की वादियाँ हर किसी को आकर्षित तो करती ही हैं, यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी हर किसी को भाता है, क्योंकि उत्तराखंड के हर व्यंजन की अपनी अपनी खूबियाँ हैं जिनका स्वाद जुबान पर चढ़ते ही लोग मुरीद हो जाते हैं। हालांकि यहाँ आने वाले सैलानी उत्तराखंड के अधिकांश व्यंजनों से रूबरू नहीं हो पाते या उन्हें पता नहीं होता, वहीं इस कसक को भांप कर प्रीति मेंदोलिया चुनौती मानकर राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन परोस रही हैं। समय के साथ प्रीति के बनाए पहाड़ी व्यंजनों की डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ ही लोग अब पहाड़ी व्यंजनों को ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं। मार्केट में पहाड़ी व्यंजनों का क्रेज बढ़ने के साथ ही कुछ युवा भी आगे आने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजन हेल्थ एवं वेलनेस के लिहाज से भी खासे महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों का क्रेज बढ़ रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। मेरे यहाँ आपका काफली हो गया, गैत का फाणू, चैसू, भटवाणी, भटके डुबके, चीला, मंडवे की रोटियाँ, गैत के भरवे पराठे, अरसे, रोट, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इसके अलावा भी जैसे कोई त्यौहार होता है या सीजनेबल जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो सारे हम यहाँ पे बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी क्रेज़ है मतलब युवाओं के अंदर भी कि हम भी अपने पहाड़ी प्रोडक्ट को आगे लेके जाएं। और मुझे लगता है पहले मुझे भी इतना टाइम हो गया कि मैंने कभी देखा ही नहीं था कि पहाड़ी खाना इतनी जगह मिलता था, और आज इतना अच्छा रिस्पांस है कि उत्तराखंड में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे हमारा पहाड़ी खाना बनने लगा है। और मुझे फ़ोन भी आते इवन कि हम आपकी वजह से हम लोग भी इस चीज़ में नए जुड़े हैं, और काफ़ी लोग मुझसे जुड़े भी हैं जिनके मैं प्रोडक्ट खुद भी यूज़ कर रही हूँ, और जल्दी से यहाँ पर भी सेल आउट में उस चीज़ को कर रही हूँ। जैसे कि मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैं स्वरोजगार दे रही हूँ, और काफ़ी लोग होते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता, अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाते हैं, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लाइव काउंटर दिया हुआ है। जब मैंने ये शुरू किया था, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पर खुद इतना ज़्यादा प्लान है कि हमें खुद वहाँ पर ये चीज़ें मिल नहीं पा रही थी, तो जब मैंने ये शुरुआत भी की थी तो मैंने यही सोच के की थी कि मैं अपने पहाड़ी चीज़ों को, अपने व्यंजन हो चाहे कल्चर हो, किसी भी तरह इन्हें विलुप्त नहीं होने दूंगी। आज मैं एक हूँ, आज मेरे साथ पूरा उत्तराखंड है, और इतना अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है कि हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे और बड़े लेवल तक ज़रूर लेके जाएंगे। 17 लोगों का मेरा स्टाफ है, 17 परिवार हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा 150 महिलाएँ हैं जिन्हें मैं स्वरोजगार दे रही हूँ, और उनके प्रोडक्ट यहाँ पे अपने प्यारी पहाड़न में सेल आउट भी कर रही हूँ। आप आना, यहाँ पे आपको घर का बना हुआ अचार, पिसी हुई लूणच और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगी। मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करा है देहरादून में, देसी चूल्हा के नाम से। यहाँ पे हम पहाड़ी फूड सर्व करते हैं, और ये हमने 2016 में इसकी शुरुआत करी थी। तो 2016 में कुछ आइडिया ऐसा आया था कि देहरादून में या उत्तराखंड में हर तरह का फूड मिल रहा है। चाउमीन मोमो में कुछ ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था, और कोई बाहर से आता था तो हमारा पहाड़ का फूड तो कहीं भी नहीं उपलब्ध हो पाता था, उसकी जगह हमें चाउमीन मोमो लोगों को खिलानी पड़ती थी। तो जैसे चेंजेस आ रहे थे तो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट ये शुरू करा कि हम पहाड़ी फूड लोगों को खिलाएँ, तो किस तरह का लोगों का रिएक्शन आता है या कैसे लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। तो हमने 2016 में शुरू करा, और उससे हमें बहुत हमें लगा कि लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इस फूड को, और इसको करते करते हमें 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में मतलब हमारी ग्रोथ होती रही। हमने 2-3 आउटलेट खोले, कोरोना की वजह से 2-4 आउटलेट बंद हो गए, बट हम फिर से कोशिश कर रहे हैं और फिर से अपने आउटलेट फिर से शुरू करने वाले हैं। तो और बाकी मैं अपने मेनू के बारे में बताऊं, तो पहाड़ की हमने कोशिश करी है कि उत्तराखंड में जितनी तरह के वैरायटीज़ हैं, जैसे कि जौनसार में कुछ मिलता है, कुमाऊँ में कुछ और मिलता है, पहाड़ों में अपने टिहरी का, चमोली का, हर जगह का कुजीन एक थाली में या अपने मेनू में डालने की कोशिश करी है। तो उसमें से जैसे भट की चुटकनी होती है, या आपकी फाणू, चैसू, घात की दाल, घात के पराठे, उड़द की दाल के पकौड़े, और अरसे, और काफली, झंगोरे की खीर, मतलब इत्यादि जितना भी फूड पहाड़ी फूड होता है हमने मंडवे की रोटी से लेकर हर चीज़ अपनी थाली में या अपने मेनू में डाली है। और आप कभी भी राजपुर रोड की तरफ या देहरादून में आए
तो एक बार जरूर हमारे देसी चूल्हा में आए और पहाड़ी फूड का लुत्फ उठाए। बढ़ते आधुनिकीकरण के साथ जहाँ उत्तराखंड में भी जो चाइनीज़ फूड है या उसके अलावा जो साउथ इंडियन फूड है उनकी जहाँ तादाद बढ़ रही थी, तो अब जो यहाँ उत्तराखंड में कुछ युवा हैं जो लगातार जो स्थानीय हमारे व्यंजन हैं उनको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें मंडवा हो, झंगोरे झंगोरा हो, उन सब चीज़ को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है और अपने रेस्टोरेंट में उनसे बने हुए चीज़ जो उत्पाद हैं व्यंजन हैं वो परोसे जा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं लगातार युवा पीढ़ी के अंदर भी जो हमारे पहाड़ी व्यंजन हैं उनको का क्रेज बढ़ रहा है और जो इन व्यंजनों को लेकर अपने रेस्टोरेंट में लोगों के बीच परोस रहे हैं, तो उनका कहना है कि आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य जो प्रदेश हैं और विदेशों से भी लोग अब उत्तराखंड के व्यंजनों की डिमांड कर रहे हैं और ऑनलाइन डिमांड पहाड़ के व्यंजनों को लेकर लगातार बढ़ रही है। विपिन नेगी, ईटीवी भारत, देहरादून।